सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम करेंगे MI 4i की फ्लैशिंग। तो दोस्तों इधर देख सकते हो, यहाँ पे इसका लिखा हुआ है पीछे नंबर जो दिखाता है 2015015 दिया हुआ है। दोस्तों तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दोस्तों इसको हम 4i के नाम से जानते हैं। दोस्तों तो चलिए मैं दोस्तों दिखा देता हूँ, सेट कुछ इस तरीके का दिखता है। दोस्तों देख सकते हो आप, MI 4i मॉडल है इसका। तो दोस्तों देख सकते हो इस पर टाइमिंग लग चुका है। दोस्तों पैटर्न हैज़ बीन लॉक्ड, मतलब ट्राई करने इतनी देर बाद ट्राई करने को बोल रहा है, 118 मिनट लग चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, तो चलिए दोस्तों हम स्विच ऑफ कर लेते हैं फ़ोन को और करते हैं हम इसकी फ्लैशिंग आज। और दोस्तों देख सकते हो इस पर टाइमिंग लग चुकी है 118 मिनट की। दोस्तों मतलब इसमें बहुत बार ट्राई करके देख चुका होगा, इसलिए इस पर टाइमिंग लगा दिया है फ़ोन ने। तो दोस्तों इसको हम फ्लैश करके भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने फ़ोन को कर लिया है ऑफ़, और हमको फास्ट मूड मोड में ले जाने के लिए वॉल्यूम डाउन और फिर पावर की को एक साथ प्रेस करते हैं। पहले हमने वॉल्यूम डाउन दबा के रखा, फिर पावर की को एक साथ प्रेस किया, तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है डाउनलोडिंग मोड में आ चुका है, मतलब फास्ट बूट मोड जिसको कहते हैं हम, आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सिस्टम में और इसकी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमारी जो फ़ाइल है हमारी डिवाइस दिस पीसी के अंदर, दोस्तों हमारी जो फ़ाइल हैगी MI 4i की। तो चलिए फ्लैश फाइल में जाते हैं हम दोस्तों और MI की फर्मवेयर में जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी ये MI 4i की जो फाइल है दोस्तों, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ से देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल इमेज दिया हुआ है, मतलब हमने ग्लोबल वाली फ़ाइल डाउनलोड की थी। तो दोस्तों यहाँ से करते हैं हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी जो फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम वेट करेंगे हमारी जो फ़ाइल है एक्सट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद हम फ्लैश करते हैं दोस्तों इसको। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, इस पे 1 GB की फ़ाइल है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ 1105 MB हैगी टोटल। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों इसको एक्सट्रैक्ट होने में। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी जो है फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो हमको यहाँ इमेज फ़ाइल मिल जाती है। इमेज के अंदर देख सकते हो दोस्तों इस कुछ इस तरीके की फ़ाइल होती हैं। तो चलिए बैक करते हैं, यहाँ फ्लैश और जो डाटा स्टोरेज दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको डेटा बचाना है कि डिलीट करना है, वो सबके लिए है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अपना MI का टूल ओपन करते हैं, यहाँ से इसको यस करेंगे दोस्तों, परमिशन देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी जो है फ़ाइल हो चुकी ये जो फ्लैश टूल है, सॉरी इसका फ्लैश टूल जो है ओपन हो चुका है दोस्तों।
तो यहाँ सेलेक्ट में जाते हैं, और दोस्तों हम यहाँ से अपनी फ़ाइल की लोकेशन देना है जहाँ पे हमारी फ़ाइल, तो हमारी दिस पीसी के अंदर दोस्तों एफ़ फोल्डर पे, हमारी फ्लैश फाइल के अंदर एमआई वाले फोल्डर पे है दोस्तों। तो दोस्तों ये एमआई का फोल्डर, एमआई 4i है, देख सकते हो यहाँ एमआई 4i लिखा हुआ है, इस पे जाते हैं हम। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारी जो फ़ाइल, इसको हम सिलेक्ट करते हैं इमेज फाइल को। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है सिलेक्ट हो चुकी है, और यहाँ से हम नीचे इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम नीचे सिलेक्ट करते हैं क्लियर, और क्लियर ऑल पे जाते हैं। हम अपने सिस्टम में चलते हैं और फ़ोन को करते हैं कनेक्ट इस पे। तो दोस्तों हम डेटा केबल लगा रहे हैं, देख सकते हो आप। तो दोस्तों हमने फ़ोन को कर दिया हुआ है कनेक्ट, रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ से। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस दिखा दिया हुआ है, मतलब हमारा जो फ़ोन है हो चुका है कनेक्ट। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम फ्लैश पर क्लिक करते हैं, और देख सकते हो दोस्तों यहाँ ऐसा एरर आए। तो दोस्तों हमको क्या करना है, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं दोस्तों। जो हमारी जो फ़ाइल है हम उसको पूरा उठा के दोस्तों सी प्रोग्राम में डाल देंगे, कॉपी करके यहाँ से उठाते हैं दोस्तों एमआई के अंदर 4i में जाते हैं, और दोस्तों ये हम इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं दोस्तों, और यहाँ से कॉपी करते हैं, और सी प्रोग्राम में जाके दोस्तों हमको खाली फोल्डर में जाके कोई भी नाम का फोल्डर बना लीजिएगा, और यहाँ इसको हम पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों हम सिलेक्ट करते हैं, दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी फाइल कॉपी हो रही है। तो दोस्तों हमारी जो फाइल हो चुकी है कॉपी, तो चलिए इसको कट कर देते हैं और फिर से अपना एमआई का टूल ओपन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पूरी की पूरी फाइल सेलेक्ट करेंगे, सी प्रोग्राम में जाएंगे दोस्तों, एस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, और रिफ्रेश करेंगे यहाँ से फिर से। और देख सकते हो दोस्तों अब हम फिर से फ्लैश पे क्लिक करते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो हमारी जो है फ्लैशिंग हो चुकी है स्टार्ट। दोस्तों हमने पूरा का पूरा फोल्डर ही सिलेक्ट कर लिया हुआ रहा, और दोस्तों यहाँ पे हमने क्लीन ऑल पर सेलेक्ट करके रखा रहा पहले से ही। तो थोड़ा सा इस पे टाइम लगेगा दोस्तों, तो थोड़ा हम वेट करेंगे, और देख सकते हो दोस्तों तो हमारा फ़ोन भी कनेक्ट है। और तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, तो देख सकते हो हमारा सिस्टम में भी फ्लैशिंग चल रहा है दोस्तों अभी, देख सकते हो, और यहाँ पे हमारा डिवाइस भी कनेक्ट है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे दोस्तों, फ्लैशिंग है तो थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों ये फ्लैश होने में। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे 2 बार एरर आए, तो दोस्तों पहली बार हमने फोल्डर वहाँ से सिलेक्ट किया रहा, तो दोस्तों एरर आ गया रहा, इसने फ्लैश नहीं किया। फिर दूसरी बार हमने कॉपी करके अपनी फ़ाइल को यहाँ सेलेक्ट किए इमेज फाइल को, तो भी नहीं हुआ। तो फिर दोस्तों हमने पूरी फाइल सेलेक्ट की सी प्रोग्राम में कॉपी करके, तब जाके हमारा जो हुआ है फ्लैश हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे हमको क्लीन ऑल की है, मतलब हमको कोई यूज़र का डाटा नहीं चाहिए, इसलिए क्लीन ऑल किए हैं, और सेव यूज़र डाटा में जाते हैं,
तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है यूज़र का डाटा सेव और सिर्फ फ़ोन होता है फ्लश। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है सक्सेस हो चुका है, यहाँ पे डन हो चुकी है मतलब फ्लैशिंग, और देख सकते हो हमारा फ़ोन भी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो फ़ोन है स्टार्ट ऑटोमेटिकली रिबूट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम फ़ोन को करते हैं डिसकनेक्ट, और यहाँ देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ फ्लैशिंग डन लिख के आ चुका है। तो चलिए अब फ़ोन में चलते हैं हम। मिल जाता दोस्तों। तो दोस्तों मेरी तो पहले से ही डाउनलोड होके रखी रही फाइल, तो दोस्तों अब तो MIUI वर्ज़न लेटेस्ट मिल जाए हो सकता है। दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा इस पे MIUI कौन सा मिला हमको वर्ज़न। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टार्ट हो रहा है, लोडिंग चल रही है नीचे। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो फ्लैशिंग हो चुका है डन, और यहाँ पे फ़ोन भी लोडिंग ले चुका है। दोस्तों MIUI 8 चढ़ा है दोस्तों, देख सकते हो इस पर MIUI 8 वर्ज़न दे दिया हुआ है जो हमने फ्लैश किया रहा। तो चलिए इसको हम सेटअप कर लेते हैं। तो स्टेट दोस्तों लैंग्वेज सेलेक्ट है यूनाइटेड किंगडम, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ हमको कंट्री चूज़ करना है, जो आपकी कंट्री वो आप सेलेक्ट कीजिए, हमारी इंडिया है दोस्तों, इंडिया करते हैं हम सेलेक्ट, नेक्स्ट करते हैं। तो सेटिंग रीज़न थोड़ा लोड ले रहा है दोस्तों, सेटिंग्स कर रहा है इस पे फ़ोन पर। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी, हम नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा इस पे टाइम ले लेता है दोस्तों सेटिंग्स होने में। यहाँ से स्किप करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, स्किप करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं, नो करेंगे, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, एग्री करते हैं, नॉट नाउ सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं, अपनी थीम को सेलेक्ट करते हैं, कंप्लीट सेटअप। दोस्तों हमने कंप्लीट सेटअप सेलेक्ट कर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा और हम वेट करते हैं। यहाँ लोडिंग ऐप्स लिख के आ रहा है, देख सकते हो नीचे दिया हुआ है लोडिंग ऐप, ऐप को लोड कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों देख सकते रहे हमारा जो पहले फ़ोन जो था, हम पैटर्न पे जाते रहे, पिन कोड मांगता रहा, तो दोस्तों उस पर 118 मिनट का टाइम लगा हुआ था दोस्तों। तो हमने फ्लैशिंग करे तो दोस्तों ये सब हट चुका है इस पर। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है हो चुका है ऑन। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका मॉडल देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बैक कवर में दिख नहीं पाया रहा इसका मॉडल, तो यहाँ पे अब अच्छे से दिख जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे इसका मॉडल दिया हुआ है MI 4A मॉडल दिख रहा है इस पर, 4i लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी MI 4i दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ 8.5 दिया हुआ है MI का वर्ज़न, MIUI का वर्ज़न 8.8 वर्ज़न 8 ही समझ लीजिए दोस्तों। और यहाँ MI 4A
तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो, और कमेंट कीजिए दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो। और दोस्तों मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में जाके इसकी फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू गाइस।